फिर मंगा लिए तूने ऊटपटांग कपड़े। किसी का हाथ गायब होता है, किसी का पैर, किसी की गर्दन ही गायब होती है। करती हूँ शिकायत तेरे पापा से, हर दूसरे दिन इसके पार्सल आते हैं। नहीं मम्मी, ये मेरा नहीं है, नेहा का है। नेहा का है, मुझे चलाएगी। तेरे घर क्यों डिलीवर हुए? वो मम्मी, वो अभी घर पे नहीं थी ना, तो उसने हमारे घर का एड्रेस डाल दिया, बाद में ले जाएगी बोल रही थी। तू तो कह रही थी नेहा का टॉप है। वो शिट, मम्मी को तो याद है। वो मम्मी, नेहा बोल रही थी कि वो बाद में ले लेगी, तो मैंने सोचा घर में रखा हुआ था तो एक आध बार पहन लूं, उसे क्या ही पता चल रहा है। अच्छा, मम्मी ये सारे तो मेरे कपड़े हैं ना, तेरी अलमीरा से निकाल कर लाई हूं। सब कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा कर रखा है। मम्मी कहाँ ले जा रही हो? ये कूड़ा कबाड़ा नहीं है, ये पुराने नहीं है, कितने साल पहले खरीदा था ये। ये बेल बॉटम मम्मी फिर से ट्रेंड में आ गया है, और मेरे ना कभी भी कोई भी ड्रेस काम में आ जाती है, तो रखे रहने दो आप। सब कबाड़ा घर में ही रखूं? तुम्हें तो सफाई से मतलब ही नहीं है। कूड़ा कबाड़ा नहीं है मम्मी, लाओ दो, सब मेरे काम के हैं। ये तो नई वाली हुडी है ना, इसका आधा कहाँ गायब कर दिया? काटूं या ना काटूं, काटूं या ना काटूं, अगर मम्मी को पता चल गया ना, फिर तो हो गया। बस अगर इतना सोचूंगी फिर तो हो गया मेरा फैशन। वो मम्मी क्रॉप करके ज्यादा कूल लग रही थी। सर्दियों के कपड़े में भी कूल दिखना है तुझे? हाय, इस लड़की ने तो नई वाली जीन्स भी काट दी। सब पे कैची चलानी होती है इसे, सब पे। वो मम्मी कहीं पर नीचे से फंस के फट गई थी, तो मैंने सोचा ऊपर से तो ठीक है, तो शॉर्ट्स ही बना लेती हूँ। मुझे चढ़ा रही है, रुक तू आज। यार जल्दी चलना, तेरी वजह से हमेशा लेट होते हैं। पिछली बार भी पार्टी में लेट हो गए थे, सारी पार्टी खत्म हो जाएगी, जल्दी चल। अरे रुकना, चलते हैं बस। हाय रीव। हाय प्रियंका। हिमांशी, ये मेरी फ्रेंड प्रियंका, और इसका अभी अभी रिलेवल से प्लेसमेंट हुआ है। हाय प्रियंका। हाय, माय नेम इज प्रियंका, आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली, आई एम एचआर एग्जीक्यूटिव। तो तेरा एजुकेशन बैकग्राउंड क्या था? बेसिकली आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट इन एमबीए इन एचआर। और तुझे पता कैसे चला रिलेवल के बारे में? यार एक्चुअली मैं ना जॉब सर्च कर रही थी, तो मैं वेरियस जॉब पोर्टल्स देख रही थी, तो मुझे यूट्यूब के थ्रू पता चला, और यूट्यूब में काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे रीलेवल के बारे में कि हम ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू जॉब सिक्योर कर सकते हैं। तो रीलेवल से तेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? यार ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए भी, और जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी। इसमें बस एक बेसिक सा टेस्ट देना होता है, उसके बाद एक बेसिक इंटरव्यू होता है। अगर आप टेस्ट क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है 5 कंपनीज़ के साथ इंटरव्यू देने की, और उसके बाद हमारी चॉइस है कि हम किस कंपनी को चूज़ करते हैं, किस कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो तू कोई टिप देना चाहेगी? यार रीलेवल बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है फ्रेशर्स के लिए भी और एक्सपीरियंस के लिए भी। आज के टाइम पे ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ देती है किसी को प्लेसमेंट के लिए, और यहाँ पर ना फ्रेशर्स को भी इक्वली कंसिडर किया जाता है। 3 लाख से अबव के पैकेज मिलते हैं, और फिर 5 लाख, 10 लाख एज पर देयर डोमेन स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। चल सही है यार, एंड थैंक यू इतनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। अब ये बता करना क्या है, क्योंकि मैं तो ये ड्रेस पहन के जाने वाली हूँ नहीं। कितने एक्साइटेड थे यार हम, मैचिंग की एक्सेसरीज, हैंडबैग, सब कुछ जनता, लेकिन लास्ट में उसने ना सेम ड्रेस लाकर ना सारा मूड खराब कर दिया। अरे यार लेकिन कलर तो डिफरेंट है ना उसकी ड्रेस का और तेरी ड्रेस का, तो तू पहन सकती है। डिजाइन तो सेम है ना, पता नहीं लोग सेम ड्रेस क्यों बना देते हैं। एक डिजाइन का ड्रेस सिर्फ एक ही पीस होना चाहिए ना। अरे यार देख, मुझे नहीं पता कुछ भी, तू ऐसे कर कोई पुरानी ड्रेस पहन ले। हाँ नहीं तो क्या, तुझे लगता है मैं पुराना ड्रेस पहनूंगी? और लोग क्या कहेंगे कि पुराना ड्रेस पहन कर आ गई? और अब तो शॉपिंग जाने का भी टाइम नहीं बचा, क्या करूं। आइडिया। व्हाट? अरे जो तूने एग्जांपल मुझको दिया था वो तो खुद पे क्यों नहीं ट्राई करती? अरे सिंगल ड्रेस डिफरेंट स्टाइल,
ओह चल करते हैं, कहाँ है तेरा वार्डरोब? आजा। ये कैसा रहेगा? इसको स्टाइल करते हैं। नहीं यार, मुझे टाइट हो गया है, मोटी हो गई हूँ मैं, और मेरे अभी ये किसी काम का नहीं है। ऐसा कर, तू रख ले इसे, पहन लियो। सच्ची? ठीक है, मैं इसको ट्राई करके आती हूँ। अरे मेरा ड्रेस तो सिलेक्ट करवा दे, कमीनी। सब अपना अपना देखते हैं। वाह यार, मानना पड़ेगा दीप तुझे, तेरी पसंद ना सबसे अलग है। देख कितना सुंदर लग रहा है ये टॉप मेरे ऊपर। यार कितना प्रिटी टॉप है, थोड़ा टाइट हो गया तो क्या हुआ, जिम जाकर फिट हो जाऊंगी। ला मेरा टॉप वापस कर मुझे। है? अरे यार, लेकिन ये टॉप तो तूने मुझे दिया है ना, कि तुझे फिट नहीं होता। मैंने बस यूं ही बोल दिया था, मुझे फिट होता है अच्छे से। ला वापस दे। अरे क्या यार दीप, तू भी बोल रही हो ना, टॉप वापस कर कुत्ती। हाय हाय, कितना बकवास शो देख रही है तू। हाँ यार बकवास तो है। तो फिर क्यों देख रही इतना बकवास, और वो भी इतने फोकस के साथ? अबे तू वो छोड़ना, तू मेन लीड एक्ट्रेस के लुक्स देखना, कितने सही लग रहे हैं, हर सीन में डिफरेंट स्टाइल। सीरियसली तूने ये बकवास सीरियल सिर्फ लुक्स के लिए खोला हुआ है? हाँ, अपनी शादी में ना सेम लहंगा बनवाऊंगी, इसे दिखाकर ही डिजाइन करवाऊंगी। अच्छा जी, अभी कुछ दिनों पहले तक तो तू वो आलिया भट्ट की मूवी से इंस्पायर होकर मनीष मल्होत्रा का लहंगा पहनने वाली थी, और अब तुझे ये लहंगा पहनना है? अरे यार अब ट्रेंड के साथ माइंड तो चेंज होता है ना। हाँ तो जब तेरी शादी होगी ना तभी डिसाइड करना कि तुम्हें क्या पहनना है। अभी मेरी बात सुन। टीवी क्यों ऑफ किया? यार मुझे ना फैशन ब्लॉगर बनना है, और मेरे पास बहुत लिमिटेड ही कपड़े हैं, तो कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ से कपड़े लाऊं, कहाँ से पैसे लाऊं, क्या करूं? डम्बो, वैसे तुझे फैशन ब्लॉगर बनना है, लेकिन तुझे ये नहीं पता कि एक ड्रेस को अलग अलग कैसे स्टाइल कर सकती है, क्या ही फैशन ब्लॉगर बनेगी रे तू। हाँ यार आइडिया तो अच्छा है। रुक बताती है मैं तेरे को। स्टाइल वन, पापा की शर्ट पहनकर आ गई क्या? यार क्या करूं, मम्मी भी ना आगे तक का सोच के चलती हैं। जब तक स्कूल पास आउट करेंगी ना तब तक चलेगी। और तू ठीक तो है ना? पता नहीं तुम लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है, असेंबली में मैम भी यही बोल रही थी। ओ अच्छा, तो तूने काजल नहीं लगाया था। खाएगी? और ये तेरे लिप्स इतने पिंक कैसे हैं? तूने कुछ लगाया क्या? नहीं कुछ नहीं लगाया, मेरे नेचुरली पिंक है, कुछ नहीं लगाती मैं। जरा देखो वो बोले क्या, सब देख रहे हैं। हमेशा से तो ऐसे नहीं लगते। दीप तू वॉशरूम में लिप ग्लॉस लगा रही थी ना, दियो जरा, मेरे लिप्स ना काफी ड्राई हो रहे हैं। नहीं वो मेरा नहीं था, रिया का था, वो उससे ले जाकर, मैं थोड़ी ना लगा रही थी। लेकिन रिया तो वहां थी ही नहीं, तू अकेली ही थी। तू जाना यहाँ से। अच्छा तुझे पता करना है ना कि मेरे लिप्स इतने पिंक कैसे हैं? तूने कभी रोज के पेटल ट्राई किए हैं? कभी रब किया उन्हें लिप्स पे? करके देखियो, पिंक हो जाते हैं। ऐसा है क्या? करियो ट्राई, है ना? फिर तो मैं आज से स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, बेल बज गई। तूने लंच तो खाया ही नहीं अपना।
हाँ बस ठीक ही चल रहा है सब कुछ। अच्छा चल, राहुल की वीडियो कॉल आ रही है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। ओके गुड मॉर्निंग बेबी। मॉर्निंग बेबी, यार मैंने तुम्हें एक घंटे पहले फोन किया था, तुमने पिक क्यों नहीं किया? वो एक्चुअली बेबी रात थोड़ा लेट सोई थी ना, तो जस्ट अभी अभी उठी हूँ। तुम्हें पता है, तुम सो कर उठी हो ना, तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो, बल्कि तुमने अभी तक मेकअप भी किया, तुम और ज्यादा सुंदर लग रही हो। पता है, बस जब भी तुम मुझसे मिलने आओगे ना, तो तुम विदाउट मेकअप हो। ठीक है बेबी, मम्मी बुला रही है, मैं आपसे बाद में कॉल करती हूँ ना। बिना मेकअप के मिलने जाना, कितना टाइम लगा रही है यार ये। और जिम मेकअप करके कौन जाता है? अरे यार, अपनी ब्यूटी को एनहांस करने में प्रॉब्लम ही क्या है? वैसे सब कुछ नेचुरल लग रहा है यार, और तेरी लिपस्टिक का शेड कौन सा है? वाओ, अभी तो बोल रही थी जिम मेकअप करके कौन जाता है, और अभी लिपस्टिक शेड पूछ रही है मैडम। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है भाई। ये सब बकवास बंद कर और चुपचाप शेड बता जल्दी। ओके, Maybelline New York Superstay Crayon Shade 15 Lead the way Finally Nude Pink। ठीक है, लिख के WhatsApp कर दियो, अब चल। अच्छा सुन, जिम जाने से पहले एक प्री वर्कआउट सेल्फी ले। नहीं आज तो बिल्कुल नहीं, मैं पीछे कैसे रहूं? मैं भी तैयार होकर सेल्फीज लूंगी। आज के लिए कर ले बस, प्लीज समझना मुझे स्टोरी अपलोड करनी है। फिर तो बिल्कुल भी नहीं लूंगी। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, समटाइम्स नेचुरल भी होना चाहिए। अच्छा ये तू बोल रही है, और क्या फायदा, मैं स्टोरी रीमेंशन कर ही ना पाऊं। अरे मेरी बात तो अलग है ना, कितने सारे लोग क्रश करते हैं मुझ पे, अगर मेकअप नहीं करूंगी तो वेंटिलेटर पे आ जाएंगे वो लोग। तू ना रहने दे, आज नहीं कभी और, मैं जा रही हूँ। सुन तो, आज आज अभी मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ, बाद में बात करती हूँ। क्या जादू होता है यार ये मेकअप आर्टिस्ट के हाथ में, बंदे को क्या से क्या बना देते हैं। ये मेकअप तो मैं जरूर ट्राई करूंगी। लास्ट टाइम तो चुड़ैल बन गई थी, इस बार फिर से ट्राई करूंगी अच्छे से, और वैसे भी प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। हेलो, अच्छा चल 2 घंटे में आती हूँ। अच्छे से रेडी होकर आऊंगी भाई। सुन तो, करूं या ना करूं, पहले मॉइस्चराइजर, फिर प्राइमर, फिर फाउंडेशन, फिर कंसीलर, ब्लशर, हाइलाइटर, मस्कारा, आईलाइनर। मैं तो अभी से थक गई, बिल्कुल मन नहीं है मेकअप ट्राई करने का अभी, कभी और ट्राई करूंगी। अभी के लिए ये काफी है। हो गई तू रेडी? ओ आ गई तू? ये रेडी होने में तूने 2 घंटे लगाए? नहीं वो कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रही थी। और हाँ, तेरा इम्पोर्टेंट काम ना मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है, पूरे दिन बैठ के मेकअप ट्यूटोरियल्स देख रही होगी, और आखिर में तुझे लगाना लिप ग्लॉस ही होता है, आलसी कहीं की। हाँ यार, कौन करे 2-3 घंटे पर बात। मतलब मैं तेरा बाहर रोड पे खड़े होकर 2 घंटे से वेट कर रही थी, और तू यहाँ पे महारानियों की तरह आराम कर रही थी? नहीं मैं बस ये सोच रही थी कि मेकअप करूं या ना करूं, करूं या ना करूं। तू ना रहने दे, आलसी कहीं की, जा रही हूं मैं। अच्छा सुन, क्या ना? बिल्कुल नहीं, प्लीज ना, प्लीज प्लीज। नहीं नहीं ना, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। अब ये थोड़ा ज्यादा लग रहा है। ठीक है रहने दे, कोई बात नहीं, हम कभी और ट्राई कर लेंगे। ठीक है, अच्छा लगा है, देख के रहो मेरा। ये क्या किया तूने? अच्छे मेकअप की तो उम्मीद नहीं कर सकती तुझसे।
बहुत अच्छा लग रहा है ये, है ना? स्मोकी आईज ही तो बना रही थी मैं, तूने कंप्लीट नहीं करने दिया, शीशा देखना था तुझे। बेबी वैसे बिना मेकअप के लड़कियां ज्यादा अच्छी लगती है ना। मतलब क्या है तेरा, मैं ज्यादा मेकअप करती हूँ और तुझे बुरी लगती हूँ, है ना? बेबी मेरा वो मतलब नहीं था। तेरा जो भी मतलब था, अब ना तू निकल और बिना मेकअप वाली पटा, ठीक है? बिना मेकअप वाली लड़कियां ज्यादा ब्यूटीफुल लगती हैं। यार मैंने तो गुस्से में बोला था, उसने तो सच में किसी और को पटा लिया, एक बार कोशिश तो करनी चाहिए थी ना। उसने तो एफर्ट्स किए थे, तू नहीं उसकी कॉल नहीं उठाई तो एक बार और कर लेता, क्या प्रॉब्लम थी? डोंट क्राई। तुझे लगता है मैं अपने फेस पर पसीना तक नहीं आने देती? मैं उसके लिए अपना मस्कारा रोकर खराब करूंगी, भाड़ में जाए वो और उसकी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड, मेरे मेकअप से तो सस्ता ही था वो। तो अब चिल करना तू। अच्छा सुन, प्रोफाइल चेक कर उसकी। कौन? राहुल? उस चुड़ैल की। मुझे क्या पता कौन है वो। डम्बो, उसकी फॉलोइंग में जाकर चेक करना। यार ये तो बहुत सही है, मतलब तुझसे कम है। देख मुझे बोल रहा था बिना मेकअप वाली लड़कियां अच्छी लगती है, फिल्टर है पूरी, फिल्टर नेचुरल। अरे यार ये लड़के ना सिर्फ बोलते हैं नेचुरल नेचुरल, भागते हैं फिल्टर वाले के पीछे ही हैं। अब देखना तू मेरा ट्रांजिशन। क्या कर रही है? मेकअप ऑनलाइन नायका से। कितना सेक्सी आई शेडो पैलेट है ना। पर 3698 पर मुझे नीड भी है यार, देखना कितने अच्छे अच्छे से शेड्स हैं इसमें। हाँ यार, अरे तो क्या हो गया, कर देना ऑर्डर, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, तू कौन सा रोज रोज खरीदती है मेकअप, कर दे। पर मेरे कार्ट में 3 प्रोडक्ट और भी हैं, तो इट्स टोटल 10,000। क्या? अरे कोई बात नहीं, मेरा मतलब है अदर एक्सपेंसेस कम कर दियो, सब मैनेज हो जाएगा, और अगर कम पड़े ना पैसे तो मेरे से ले लियो, तेरी बहन अभी जिंदा है। हाँ और क्या, अब खुद के लिए नहीं सोचूंगी तो फिर जिंदगी जीने का फायदा क्या ऐसे घुट घुट के जीने से। और क्या, बिल्कुल सही कह रही है तू, खरीद ले। तू बैठ, में पानी लेकर आती हूँ तेरे लिए। अच्छा एक बात बता, इस बैग में तूने कौन सा खजाना छुपा के रखा है, इसे जो इतना संभाल संभाल के रख रही है तू। वेट, अच्छा मेकअप किट। मुझे ना स्क्रैचेस वाला मेकअप और टूटा हुआ मेकअप बिल्कुल नहीं पसंद, एकदम फ्रेश और न्यू पसंद है, तो मैं इसलिए संभाल संभाल कर रखती हूँ। चल मैं आती हूँ, इसे रख कर। मेरा मेकअप, मेरा मेकअप, हे भगवान प्लीज टूटा ना हो, टूटा ना हो। मम्मी सब कुछ छूट गया, सब कुछ फिर से खरीदना पड़ेगा। ओके भैया मैं आपको ना इवनिंग तक डिसाइड करके बताती हूँ। ओके ओके ओके। क्या हुआ भाई, अभी तक तेरा मेकअप डिसाइड नहीं हुआ? हाँ यार इतना कंफ्यूज तो मैं 10th की स्ट्रीम डिसाइड करते हुए भी नहीं हुई थी, क्योंकि मैं ना अपनी शादी में बहुत सुंदर दिखना चाहती हूँ, बिल्कुल वैसा जैसा मैंने अपने ड्रीम्स में सोचा हुआ है। और यार मैं ना शादी में बिल्कुल रोना नहीं चाहती। क्यों भाई, कल्चर है हमारा, लोग क्या बोलेंगे कि ये देखो कैसे दांत फाड़ती हुई जा रही है। मेरी मर्जी, मेरी शादी, मैं रो दो के अपना मेकअप क्यों खराब करूं, हटी हुई हूँ क्या मैं? और मैं ना बिल्कुल नहीं रोने वाली, लोगों का काम है कहना, आई रियली डोंट केयर। हाँ वो तो सही है, कौन सा लोग मेकअप के पैसे देने आ रहे हैं। और वो हिना बोल रही थी कि हिमांशी ने प्री वेडिंग पे मेकअप कौन सा कराया था, बिल्कुल नेचुरल लग रहा था, तो बता दियो उसे। पर तूने तो, हाँ तुम्हें क्यों बताऊँ मैं कौन से प्रोडक्ट यूज करती हूँ। तेरा ना कुछ नहीं हो सकता, कर बैठ के मेकअप डिसाइड।
कभी कर्ल करो कभी स्ट्रेट करो, सारे बालों की ना ऐसी तैसी हो जाती है। जब भी तो सबकी अटेंशन तुझे मिल रही थी और ऊपर से दो दो प्रपोजल भी आई है मैडम को, हॉट लग रही थी वैसे तो। मुझे ना वैसे भी किसी में इतना इंटरेस्ट नहीं है, आई लव माई ओन कंपनी। अच्छा तो फिर मैं चली जाती हूँ। अरे नहीं यार, तू तो इम्पोर्टेंट है और तू खुद को कंपेयर करेगी दूसरों से। हाँ हाँ नखरे तो बढ़ेंगे ही मैडम के। और वो नया बता रही थी कि वो पार्टी में कल अपना मेकअप लाना भूल गई और तूने टचअप के लिए मेकअप नहीं दिया उसे अपना। अबे हाँ और क्या, इतना थोप थोप के मेकअप लगाती है, एक बार में सारा मेकअप खराब कर देती मेरा। और मुझे ना अपना मेकअप शेयर करना किसी के साथ बिल्कुल नहीं पसंद, लोगों को पता नहीं क्या ही मजा आता है दूसरों का मेकअप यूज़ करने में। लास्ट टाइम दिया था प्रीति को मैंने अपना मेकअप, लिपस्टिक को घुमा घुमा के ना तोड़ दी, और हाइलाइटर में इतने डीप ब्रश मार रखे थे, तब से ना मैं अपने कॉस्मेटिक किसी के साथ शेयर नहीं करती। बस अपने कॉस्मेटिक की केयर करते हैं लोग, दूसरे का तो ये सोचते हैं फ्री का मिल गया यूज़ करो और ख़राब करो। एटलीस्ट ठीक से तो यूज़ करो, अगला बंदा अपना इतना एक्सपेंसिव मेकअप तुम्हें दे रहा है और तुम इसे ख़राब करके दे रहे हो, गुस्सा नहीं आता क्या? तब से मैंने तो डिसाइड कर लिया मैं अपना मेकअप किसी के साथ शेयर नहीं करूँगी। मेरे साथ भी नहीं? सोचूंगी। अच्छा हेलो गाइस, तो आज प्रियंका ने भी बता दिया हमें रिलेवल का कमाल, यहाँ से क्रेड यात्रा मीसो जैसी 800 प्लस कंपनी हायर करती है, और 18 अगस्त को रिलेवल को पूरा एक साल हो गया है, और रिलेवल ने अब तक 1100 प्लस नौकरियां लगवाई है। ये इंडिया की सिंगल आईआईटी और आईआईएम में दी जाने वाली नौकरी से भी ज़्यादा है, और एक बच्चे की तो 40 लाख की नौकरी भी लगी है। डू चेकआउट रिलेवल बाय अनअकैडमी टूडे एंड गेट अ चांस टू विन अमेजिंग एप्पल प्रोडक्ट्स if you are one of the top scorers.